Ooh. तो डूब गया विश्वा। इसका मतलब है कि ताली मर गई, खेल खत्म। मर गई? अब बस ये पता करना है कि उसकी लाश कहाँ है और उसके लिए अर्थात दिशा संधारण यंत्र। मुक्ता भी बिना बताए कहीं चली गई। बुआ तुमसे कुछ कही? नहीं दादी, मुझसे कुछ नहीं कहा। गई होगी कहीं अपनी भगोड़ी काली को ढूंढने। ये तो पता नहीं कि वो मुंह छुपाकर बस में कहां भाग रही थी, पर क्यों भाग रही थी ये पता है। वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई इसलिए चली गई। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि काली अपनी बेगुनाही साबित कर देगी। और अंजिमा वो कहां पे है? दिशा संधारण यंत्र। इस यंत्र को हम अभिमंत्रित करके इस घी में डालेंगे और ये हमें बताएगा कि काली की लाश कहां है। अरे ये अचानक इतनी हवा कहां से आई? हवा ये हवा इधर से आई? हाँ विश्वा, हम कह रहे हैं जरूर कुछ ना कुछ है। अरे पुरोहित जी कुछ नहीं, खिड़की है भड़बड़ा रही है, जाके बंद करके आइए और हम जाके दिए जलाते हैं। या, या! काली की आत्मा, हम जानते हैं तू आसपास है, प्रकट हो, हमें बता कि तू कैसे मरी और तेरी लाश कहां है। काली, काली की आत्मा, तो हमें यह बता कि तुझे किसने मारा और तेरी लाश कहां है। ये आप हमसे पूछ रहे? आपने ही तो अपने आदमियों से कह के हमें मरवाने के लिए बोला था। हमने नहीं मारा तुम्हें। झूठ बोल रहे हो आप। आपने बार बार हमें मारने की कोशिश की। जिंदा रहते हुए तो हम आपसे बदला नहीं ले सके, पर अब मरने के बाद हम आपसे बदला जरूर ले सकते हैं। देखो देखो काली, तुम नाराज मत हो। सच बताइए हमें, क्या किया आपने हमारे साथ? नहीं 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 नहीं, झूठ में झूठ। ना ना ना, हमने नहीं मारा तुम्हें। सच बताइए हमें। वो पहले की बात थी, पहले की बात थी, वो जब हमने तुम्हें नीचे धक्का दे दिया वो खाई में, और हमारी वजह से तुम सात महीने तक कोमा में रही और तुमने अपना बच्चा भी खो दिया, तो वो बात भूल जाओ। सात महीने हम कोमा में थे और हमारे परिवार वाले हमें ढूंढने के बजाय हमसे नफरत करते रहे। बदला लेंगे हम आपसे। अरे काली, वो तो इस वजह से कि हम
नंदू तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। कली को पहाड़ी से आपने धक्का दिया था? जवाब दीजिए बड़के पापा, कली को आपने धक्का दिया था? यही सच है, इन्होंने ही कली को धक्का दिया था। अब कुछ कह नहीं पा रहे इसलिए चुप खड़े। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन वो पूरा सच नहीं है। तो क्या है पूरा सच? हमने उसे धक्का दिया। सच है ये कि हमने उसे धक्का दिया। हम मजबूर थे, कोई रास्ता नहीं था हमारे सामने। अरे हमने क्या नहीं किया इसके लिए, क्या नहीं किया? शादी करवाई तुमसे जबकि हमारी बेटी की शादी होनी चाहिए थी। जब हमारी बेटी के अजल में बच्चे को मारने की इसके ऊपर तोहमत लग रही थी तब भी हमने इसका साथ दिया, इसके साथ खड़े रहे। और वो सुसाइड नोट जो इसने लिखा था वो तुम सबको बहकाने के लिए लिखा था, तुम सबको भ्रमित करने के लिए लिखा था। हमने इसे कहा था बेटा देख और कौरी को अकेला छोड़ दो, वो दंपत्ति है उनकी, जिंदगी खराब मत करो। लेकिन एक नहीं सुनी इसने। हम क्या करते आगे को सामने फेंक दिया। सुन लीजिए क्या गुजारिश में कोई भी माफ करता। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ आचार्य जी। छी मंजरी, देखो तुम बहुत बहुत भोली हो, गाय हो तुम, बहुत सीधी हो और इसी सीधेपन का फायदा ये उठाती है। फायदा हम नहीं, आप उठा रहे सबके विश्वास का। यो फंसाया हमें गया था, हम किसी के जज्बात के साथ नहीं खेल सकते। हम तो गौरी के बच्चे के पैदा होने का इंतजार कर रहे थे ताकि हम उसे अपना समझ के पाल सके, और हमें फंसाकर उसी बच्चे का दुश्मन बना दिया गया। वो जो चिट्ठी तुम मरने से पहले लिख के गई थी वो क्या था? दादी जी वो चिट्ठी, उस वक्त हम बहुत परेशान थे, बड़के पापा यहीं पर थे, उन्होंने हमसे कहा था कि हम वो सुसाइड नोट लिखे। उन्होंने ये कहा था कि ऐसा करने से युग को और आप सबको हमारा मोह समझ में आएगा। हमने मना करने की कोशिश और तुम मान गई। वाह रोहित जी, कुएं में कूदने को हमने कहा और ये कुएं में कूद गई, बस वैसा ही है कुछ ये। करे करे पापा, अगर काली बच गई तो युग का दिल पिघल तो नहीं जाएगा ना? अगर वो बच गई तब ना।